नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज झारखंड के रामगढ़ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसमें आपको बहुत चीज़ें सोचने को मजबूर करेगा और खबर के अंत में आप भी ये सोचोगे कि आखिर मेरे आसपास भी जो दोस्ती है उसको भी आकलन किया जाना चाहिए। खबर है कि पवन यादव नाम के 22 वर्षीय युवक की 24 से 25 बार चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे का नाम है मोहम्मद हमास और उसका एक और साथी मोहम्मद आज़ाद उर्फ सूर्या, और इन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला यह है कि कल रात्रि में करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि रानी बागी के एक युवक पंकज पवन यादव को जो है चाकू से वार किया गया है, गर्दन में, छाती में और पेट में। फिर उसको अस्पताल, सदर अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए। इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई और उसके परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी जो हत्या है वो मोहम्मद हमास और सूर्या नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आगे का अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। कोई एविडेंस मिला है? चाकू घर से बरामद हुआ है, लेकिन ये अभी पूछताछ, जब अभियुक्त से पूछताछ होगी तभी कंफर्म हो पाएगा कि वो चाकू का प्रयोग उस घटना में किया गया है या नहीं किया गया है। बाकी अभी थाने जाकर उसको इंट्रोगेट करेंगे, तभी आगे की कार्रवाई बता। दोनों की गिरफ्तारी कब हुई सर? दोनों की गिरफ्तारी करीब आधे घंटे पहले हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू सर। पवन के भाई पंकज ने बताया कि 1 अगस्त की रात को उसे किसी ने बुलाया, वह गया। आधे घंटे के बाद एक एम्बुलेंस वाले ने पंकज को फ़ोन किया कि आपका भाई हॉस्पिटल में है, आप वहाँ पहुँचिए। जब पंकज वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि उसकी भाई की मौत हो चुकी है और उसके शरीर पर 25-30 बार चाकुओं के निशान हैं। आपको बता देते हैं कि पवन और मोहम्मद हमास बहुत ही गहरे दोस्त थे और उनके साथी जो मोहम्मद आज़ाद हैं वो भी इनके दोस्तों में से एक थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दोस्ती में ऐसी कौन सी बात हो गई उसे जान से मार देना पड़ा। हालांकि हमास के परिवार वालों पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कॉलोनी वाले उनके आरोप लगाते हैं। कभी हमास के बारे में कहा जाता है कि वह रास्ते पर अक्सर तलवार लहरा के घूमता था। हमास के पड़ोसी महादेव बैठा भी उन पर कुछ आरोप लगा रहे हैं, और किस तरह का आरोप लगा रहे हैं आप खुद भी सुनिए। कल क्या हुआ था बताइए। इस संडे से जो है ना मेरे ऊपर ही लगे हुए थे फरसा और तलवार लेकर के, क्या साले को धोबिया का मर्डर कर देंगे और धोबिनियों को मर्डर कर देंगे। मेरे बाप के ऊपर केस किया है और मेरे माँ के ऊपर। हम साले को जीने नहीं देंगे, कपड़ा नहीं पसारने देंगे यहाँ पर। साले को अड्डाबाजी यहाँ करता है, मर्डर कर देंगे साले को। हाँ, यही सब बोल रहा था। कौन बोलता? कौन था? हमास हसन बोल रहा था। अच्छा, हाँ। और कल जो घटना हुआ, हाँ, तो वो कैसे, मतलब हमास हसन को आप देखे थे? नहीं, उसको तो हम नहीं देखे, लेकिन रात में यहाँ पे था, तलवार लेके भांज रहा था और हम लोग खाना पीना खा के सो गए। उसके बाद नहीं बता सकते हैं। लोग के साथ हमेशा ये लोग तुतु में हो, बराबर जो है ना, ये भाड़ा में रहते रहते अब कहता है कि टोटल जमीन मेरा ही है। यहाँ से लेकर के आपका सीमेंट दुकान जो है रोड तक, वहाँ तक कहता है कि 2 एकड़ 46 डिसमिल जमीन मेरा है। अच्छा, हाँ। और धोबी जो है सो मेरा जमीन में जबरदस्ती रह रहा है। आप लोग को मतलब जाति सूचक बात ही बोलता रहता है? हाँ, वो बार बार गाली गलौज करते रहता है। और कोई भी कस्टमर या डीसी ऑफिस का गाड़ी या जिप्सी यहाँ कपड़ा तौलिया देने, पर्दा या देने आता है तो उन लोग के साथ में बात विचार करते हैं तो कहता है कि उसका बाप का गाड़ी आ गया, उसमें जाके बैठ गया, उससे जाके बात कर रहा है। इस तरह का बात बोलती है बराबर उसकी माँ। आपने सुना कि महादेव बैठा ने क्या आरोप लगाया, किस तरह से आसपास के लोग पीड़ित हैं इस परिवार से। हालांकि उनकी माँ के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई जा रही थी। वहाँ पर मौजूद एक स्थानीय सत्यजीत चौधरी ने भी कुछ बातें बताई, वो अभी आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो जो आप उनके विरोध में बोलो, मेरे पे एफआईआर हुआ है बलात्कार का। मैं सत्यजीत चौधरी हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। एक बार मैं, मधु गुप्ता हमारे वार्ड नंबर 6 के मुखिया जी, दीपक मिश्रा, एक घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए हम लोग वहाँ गए हुए थे। बाजाप्ता लिखा हुआ वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों के साथ में एक समझौता हुआ। उस 60 वर्षीय महिला को ये भड़का करके, और हम लोग 14 लोगों पे एफआईआर करवा दिया, जिसमें मैं था, दीपक मिश्रा, मुखिया जी, मधु गुप्ता नामक महिला, मतलब फर्जी केस। वो तो धन्य हो पिछले SP साहब का, जिन्होंने कि मतलब मामले को संज्ञान में लिया और इसका इन्वेस्टिगेशन किया। फर्जी पाया गया केस को, तो उस केस को ख़त्म किया गया। इस महिला का ऐसा है कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी दुकान में पूछ लो, इस एरिया में कम से कम 10-15 लोगों पे बलात्कार का केस कर रखी है। इसके बच्चे स्नेचिंग में, मारपीट में नामजद आरोपी हैं।
दो तीन बार तो पुलिस इसके घर से उठा करके लेके गई है, तलवार लेकर के हम लोग, मैं पीछे घर, मेरा घर पीछे में है, वो किसी भी मोहल्ले वाले से पूछ लो, शायद डर से ना बोले, केस का डर हम लोग तो झेल लेते हैं, लोग डरते हैं, वो लोग नहीं बोलेंगे, तलवार लेकर के घर के पूरे मोहल्ले में गली में घूमता है तलवार, मैंने देखा है, मैं ऑब्जेक्शन करने के लिए आता हूँ तो क्या हुआ, तलवार लेकर घूमा तो क्या हुआ, वो अपना बकरी खेद रहा था, अब बकरी भी तलवार, बकरी खेदने के लिए तलवार का उपयोग करते हैं, ये कट्टर मानसिकता वाले लोग हैं, ये कट्टर मानसिकता वाले लोग, इनका काम ही यही है, तलवार से बकरी खेदते हैं ये। आपने देखा कि किस तरह से स्थानीय लोग डरे हुए भी हैं। पंकज यानी पवन का भाई जो खुद एक ऑटो चलाता है, मेहनत मजदूरी का काम करता है, पवन के पिता भी मजदूरी का काम करते हैं, पवन कुछ दिन पहले तक ऑटो चलाया करता था, पांव टूटने की वजह से 3-4 महीने से घर पर ही था, इसी बीच थोड़ा सा ठीक हुआ था तो उसे अपने दोस्तों ने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। अब आप सोच सकते हैं कि आपको दोस्ती कैसे रखनी है, किस तरह के लोगों के साथ आपको मित्रता रखनी है। बातें बहुत सारी आ रही हैं कि यहाँ पर मामला नशे का भी हो सकता है, आखिर नशे की बात हो सकती है, झगड़े की बात हो सकती है, लेकिन हत्या में भी 20-25 बार चाकू से मारना यह कोई आम बात नहीं है। ये कट्टरता कहाँ से आ रही है, ये आप सभी को सोचने की ज़रूरत है। इस बात पर प्रोफेसर यदुनाथ पांडे, जो हजारीबाग लोकसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि झारखंड में हिंदू समाज बहुत खतरे में है। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और स्थानीय प्रशासन पर भी दबाव बनाया है। उन्होंने भी एसपी से बात की और जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा और सख्त से सख्त सजा की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद भी आक्रोशित है, वह भी आरोप लगा रहा है कि पुलिस प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर रही है। अब देखना यह है कि उनका आरोप कितना सही है और पीड़ितों को न्याय कैसा मिलता है। हालांकि पीड़ित पक्ष जो मृतक का परिजन है वो चाहता है कि उनके परिवार को न्याय मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इन आरोपियों को सजा मिले। आपको यह खबर कैसी लगी आप कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस तरह के रोज कुछ नए खबरों के लिए राष्ट्र समर्पण को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।